फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सांसद रमेश बिधूरी और उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रिबन काट कर उत्सव पंडाल का किया शुभारंभ। 6 करोड़ की लागत से बने इस पंडाल में लोग कर सकेंगे शादी ब्याह समारोह और संस्कृत कार्यक्रम। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता या फिर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पर कहीं हवन तो कहीं भोजन वितरण तो कहीं हेल्थ चेकअप कैंप लगवा रहे हैं। वहीं इसी क्रम में अंबेडकर नगर विधानसभा स्थित ब्राक ग्राउंड में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्सव स्थल पंडाल का शुभारंभ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और साउथ दिल्ली से सांसद रमेश बिधूरी ने किया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्टार्टिंग में किया था हमने 4-5 साल, कोविड आ गया, कोविड के कारण से 2 साल ये डिले हो गया है। उत्सव पंडाल लगभग 6 करोड़ की लागत से, 5.76 करोड़ की लागत से बना है। अब यहाँ रहने वाले जो दक्षिण पूरी जे कॉलोनी के गरीब लोग हैं, जिनको फार्म हाउसों में बैंकेट में 50,000-1 लाख रुपये देने पड़ते थे, अभी नॉमिनल कॉस्ट पर यहाँ लोगों को उपलब्ध होगा। इसकी कीमत रखवाएंगे हम, कुछ ज़्यादा कीमत नहीं होगी। उस पर लोग अपने फंक्शन, शादी ब्याह फंक्शन, गरीब आदमी एक बोझ से उसको राहत मिलेगी सर, और एक अच्छे एनवायरमेंट में शादी कर सकते हैं। कितनी बड़ी सौगात है, कितने लोगों को ये, लोगों को एहसास होगा। अभी एकदम एक साल में 400 लोग शादी कर पाएंगे, इसका एहसास लोगों को निकल कर आएगा 3 या 4 साल के बाद, जब सबको निजात मिलेगी। और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत भागवत कथा होती है, रामचरितमानस की कथा होती है, रामलीलाएं होती हैं, ऐसे अनेकों प्रकार के इवेंट हैं। हमारे इस क्षेत्र में कहीं ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने से कहा है कि हर विधानसभा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब चिल्ड्रंस पार्क या स्पोर्ट्स पार्क होना चाहिए, एक इसी प्रकार का कोई पंडाल होना चाहिए हर विधानसभा में। ये टारगेट है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, उसी कड़ी के अंदर ये किए जा रहे हैं सारे के सारे काम। कब से लोग इसमें उत्सव मना पाएंगे? बस अब जैसे ही शादियां शुरू होंगी लोग शुरू हो जाएंगे, जब बुक करना शुरू कर देंगे। अभी 5 या 7 दिन में बात कर गए अगले हफ्ते से, इसकी वेबसाइट पर खुलवा देंगे, लोग बुक करें और शादी फंक्शन कराएंगे।